कहानी की शुरुआत जीना नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है, जो कि एक सक्सेसफुल रेडियोलॉजिस्ट है। यहाँ जीना अपनी लैब में साइटस इनवर्सस के मरीज की एक्सरे रिपोर्ट की जांच कर रही होती है। दरअसल साइटस इनवर्सस मेडिकल कंडीशन वाले लोगों का हार्ट और लीवर अपोजिट साइड में होता है। खैर, रिपोर्ट की जाँच करते समय जीना के पास उसके बॉयफ्रेंड स्टीफन का फोन आता है, जो जीना से आज रात का प्लान पूछता है। दरअसल आज जीना के पिता जॉन का बर्थडे था, इसलिए जीना, उसका फ्रेंड स्टीफन और जीना का भाई डेनियल और डेनियल की गर्लफ्रेंड केट जॉन के पास जाकर उसे सरप्राइज देने वाले थे। अब रात होने पर चारों जॉन के घर आ जाते हैं और उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं, जिसके बाद वो सभी डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं, जिस दौरान उनके पीछे टंगा एक मिरर अचानक से गिरकर टूट जाता है, जिससे सब लोग काफी डर जाते हैं। अब केट और जीना उस टूटे हुए मिरर को साफ करती हैं और एक दूसरे को बताती हैं कि मिरर का टूटना शुभ नहीं होता। फिर कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह हम जीना को देखते हैं, जो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब जीना ब्रश करते हुए मिरर के सामने खड़ी होती है, तब वो मिरर में खुद को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि मिरर में दिखने वाली जीना के फेस पर कोई भी इमोशन नहीं थे और वो जीना से बहुत अलग सी दिख रही थी। खैर, जीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने काम पर निकल जाती है। तभी हम उस मिरर को टूटते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से एक औरत बाहर निकलकर वहां से चली जाती है। इधर जीना लैब से बाहर जा रही थी, तभी हम देखते हैं कि जो लड़की लैब से बाहर गई है वो जीना की तरह दिखने वाली दूसरी औरत है, क्योंकि जीना अभी भी लैब में काम कर रही होती है। अब शाम के समय जब जीना अपने घर जाने वाली होती है, तब उसका असिस्टेंट एंथनी वहां जाता है और जीना से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था, फिर अचानक से तुम वापस क्यों आ गई। जिस पर जीना कहती है कि मैं सुबह से लैब से बाहर नहीं गई हूँ, जिससे एंथनी को लगता है कि शायद जीना उससे मजाक कर रही है। यहाँ जीना को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो अभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देती है। खैर, जीना ऑफिस से निकलकर जॉन को कॉल करती है, जिस दौरान जॉन घर में शॉवर ले रहा होता है, इसलिए वो कॉल नहीं उठाता। तभी हम देखते है कि जॉन के घर में लगा एक मिरर ठीक वैसे ही टूट गया है, जैसे कि जीना के घर में टूटा था। इसी बीच जीना को अपनी जैसी एक कार दिखाई देती है, जिसके अंदर देखने पर उसे अपने जैसी दिखने वाली एक औरत दिखाई देती है। जीना उस औरत को देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसका पीछा करने लगती है, जिसका पीछा करते हुए जीना उस औरत के घर तक पहुंच जाती है। जीना छुपकर उसके घर के अंदर देखती है तो उसे वहां जॉन और अपनी एक फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर जीना बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, जिसके बाद वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। तभी अचानक से एक कार उसके सामने आ जाती है और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब जीना को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। इस एक्सीडेंट के कारण उसके सर में चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी वहां के डॉक्टर उसे एक थेरेपिस्ट से मिलवाते हैं, जिसका नाम रॉबर्ट था। इसके बाद वहाँ स्टीफन आता है। तब रॉबर्ट जीना को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद आए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इसके बाद अब जीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और स्टीफन उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ स्टीफन के घर में जीना की नजर एक दीवार पर पड़ती है, जहाँ पहले मिरर लगा हुआ था, इसलिए जीना स्टीफन से उसके मिरर के बारे में पूछती है, जिस पर स्टीफन बताता है कि गलती से मुझसे मिरर टूट गया था। इसके बाद स्टीफन अपने डॉग को घुमाने के लिए बाहर ले जाने लगता है, जिस दौरान उसका डॉग अजीब बिहेव करते हुए स्टीफन के पैर को काटने की कोशिश करता है। ये देखकर जीना को भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले उसके डॉग ने ऐसा कभी नहीं किया था। इसके बाद जीना नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहां वो बाथटब में नहाते हुए देखती है कि वहां की सेलिंग से कुछ लीक हो रहा है, इसलिए वो चेक करने के लिए ऊपर जाने लगती है। तभी अचानक से स्टीफन वहां जाता है और उसे ऊपर जाने से रोक लेता है। तब जीना स्टीफन को बताती है कि सेलिंग से कुछ लीक हो रहा है, जिस पर स्टीफन कहता है कि मैं कल सुबह उसे ठीक कर दूंगा। यहाँ स्टीफन का बिहेवियर देखकर जीना को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि स्टीफन उससे कभी भी इस तरह बात नहीं करता था। खैर, रात के समय जब जीना सो रही होती है, तब उसे बार बार अपने पिता की बर्थडे पार्टी, कार एक्सीडेंट और डरावने सीन दिखाई देते हैं। इस वजह से जीना ठीक से सो नहीं पाती है और मेडिसिन लेने के लिए वॉशरूम में आ जाती है, जिस दौरान उसकी मेडिसिन का कैप गिर जाता है। जब वो उस कैप को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तब मिरर में दिख रही जीना उस पर हमला कर देती है। तभी हम
जीना को जागते हुए देखते हैं। दरअसल ये जीना का एक डरावना सपना था। अगली सुबह जीना रॉबर्ट से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो जिस स्टीफन के साथ रह रही है वो असली स्टीफन नहीं है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। इस बात पर रॉबर्ट उसे समझाता है कि शायद तुम्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ है। दरअसल ये बीमारी ब्रेन डैमेज और मेमोरी लॉस के कारण होती है और ये एक रेयर कंडीशन होती है। खैर, रॉबर्ट बताता है कि इस बीमारी के पेशेंट को लगता है कि उसके सबसे करीब इंसान की जगह किसी और ने ले ली है। इस वजह से पेशेंट सोचने लगता है कि उसके करीबी बदल गए हैं। यहाँ रॉबर्ट जीना को इस बीमारी के ट्रीटमेंट्स के बारे में बताता है, साथ ही उसे अपनी टूटी हुई कार के पास जाकर एक्सीडेंट के बारे में याद करने के लिए कहता है। इधर हम डेनियल और केट को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहे थे, तभी वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे अपने पड़ोसी को देखते हैं जो कि बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। जब पड़ोसी डेनियल को अपनी परेशानी की वजह बताने वाला होता है तब उस पड़ोसी की वाइफ गेट खोलकर उसे घूरने लगती है, जिससे पड़ोसी डर जाता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। इसके बाद हम जीना को देखते हैं जो कि अपनी कार देखने के लिए एक ऑटो शॉप में जाती है। जब वो अपनी कार के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक फोटो मिलती है। ये वही फोटो थी जो जीना जैसी दिखने वाली औरत के घर पर रखी थी। असल में जीना ने जाने से पहले उस औरत के घर से इस फोटो को उठा लिया था। फोटो देखते समय जीना को किसी मिरर के टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब वो डरते हुए पीछे मुड़ती है तो उसे टूटे हुए मिरर के पास दो डॉग्स लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों डॉग्स एक दूसरे की तरह ही दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि अमेरिकन एम्बेसी में काम करता है। यहाँ जॉन की सेक्रेटरी मैरी उसे एक फाइल देती है, साथ ही वो जॉन से कहती है कि मैंने तुम्हें लंच के समय बाहर देखा था लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, कि लेकिन आज तुम्हें ऑफिस से बाहर ही नहीं गया। ये सुनकर मैरी को बहुत अजीब लगता है लेकिन वो इस बात पर ध्यान न देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन वॉशरूम जाता है जहाँ उसकी नजर टूटे हुए मिरर पर जाती है, साथ ही उसे महसूस होता है कि शायद वॉशरूम में कोई है। तभी वहाँ क्लीनर आ जाता है और जॉन उससे मिरर के बारे में पूछता है, जिस पर क्लीनर कहता है कि जब मैं ऑफिस आया था तब ये मिरर टूटा हुआ था, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी ओर हम केट को देखते हैं जो ऑफिस से घर आकर डेनियल को कॉल करती है, लेकिन डेनियल उसके फोन को इग्नोर करके किसी तस्वीर को घूर रहा होता है। तभी केट एक मिरर में अपने फेस को देखने लगती है, जहां हम उस मिरर के दूसरी साइड एक अंधेरे रूम को देखते हैं। तभी एक औरत केट को मिरर की दूसरी साइड से घूरने लगती है, पर केट को इस बात का पता नहीं चलता और वो नहाने के लिए चली जाती है। तभी उसे मिरर के टूटने की आवाज सुनाई देती है जिससे केट घबरा जाती है। जिसके बाद केट की तरह दिखने वाली एक औरत केट के पास आती है जिसके फेस पर कोई भी इमोशन नहीं था। तभी वो औरत केट के मुंह में अपना हाथ घुसा देती है और उसे बुरी तरह मार डालती है। दूसरी तरफ हम जीना को एक सबवे स्टेशन पर देखते हैं। यहाँ किसी के टकराने से उसके हाथ में रखी फोटो गिर जाती है। जब जीना उस फोटो को उठाने के लिए झुकती है तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो जल्दी से वहाँ से हट जाती है और एक बार फिर वो मरते हुए बचती है। खैर, यहाँ से जीना जॉन के घर जाती है और उसे सारी बात बताकर अपनी फोटो दिखाती है, जिस पर जॉन कहता है कि इस फोटो में मेरी जगह कोई और है। अब जीना स्टीफन के घर जाती है जहाँ उसे कहीं भी स्टीफन दिखाई नहीं देता। तभी उसे पानी के लीक होने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए एक बार फिर से वो ऊपर चेक करने जाती है। यहाँ उसे स्टीफन की डेड बॉडी दिखती है जिसका सिर पाइप से टकराया हुआ था। ये सब देखकर जीना घबरा जाती है और जॉन को मदद के लिए बुलाती है। इसी दौरान हम जॉन के घर पर उसके जैसे दिखने वाले एक आदमी को देखते हैं जो जॉन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तभी जीना का कॉल अपने आप कट हो जाता है। तभी जीना को स्टीफन के जैसे दिखने वाले आदमी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। तभी स्टीफन गेट को खोलने की कोशिश करता है जिससे जीना विंडो से बाहर निकल जाती है और एक फोन बूथ से डेनियल को फोन करती है। यहाँ जीना डेनियल को अपने जैसी दिखने वाली औरत के बारे में बताते हुए उसके घर के बारे में भी बताती है, जिस पर डेनियल कहता है कि तुम जिस घर की बात कर रही हो वो घर तुम्हारा ही है। ये सुनकर जीना बहुत कंफ्यूज हो जाती है और कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ डेनियल जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ टूटे हुए मिरर के टुकड़े दिखाई देते हैं। जब वो चेक करने के लिए वॉशरूम की ओर जाता है
है तो उसे वहाँ केट दिखाई देती है जो कि फर्श पर पड़े खून को साफ कर रही थी। खून देखकर डेनियल घबरा जाता है और केट को बाहर बुलाता है, जिस पर केट खड़ी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि केट के साथ साथ डेनियल के फेस पर भी कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, जीना अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए वॉचमैन से हेल्प मांगती है कि वो उसे उसके अपार्टमेंट की दूसरी चाबी दे दे। अब जीना अपने अपार्टमेंट के अंदर जाती है जहां उसे वॉशरूम में अपनी जैसी दिखने वाली औरत की डेड बॉडी दिखाई देती है। जीना घबराते हुए उस डेड बॉडी के सर से प्लास्टिक बैग हटाती है, तब उसे धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब असली जीना लैब से अपने अपार्टमेंट में गई थी तब उसे उसकी क्लोन ने मार डाला था, जिसके बाद नकली जीना कार लेकर वहां से निकल गई थी। पर तभी नकली जीना का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी मेमोरी लॉस हो गई, जिससे उसे लगने लगा कि वो असली जीना है। खैर, अब नकली जीना को सब कुछ याद आ चुका था और वो समझ चुकी थी कि वो असली नहीं है, इसलिए वो भी इमोशन लेस हो जाती है और अपने लिविंग रूम की विंडो से बाहर देखने लगती है, जहाँ जॉन का क्लोन नीचे खड़े होकर उसे देख रहा होता है। इसके बाद हम जीना को उसकी अपनी एक्सरे रिपोर्ट चेक करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जीना को भी साइटस इनवर्सस है। दरअसल मूवी की शुरुआत में जीना जिस पेशेंट का एक्सरे देख रही थी वो कोई असली इंसान नहीं बल्कि उस पेशेंट का क्लोन था, यानी कि जो भी क्लोन मिरर से बाहर आता है उसे ही साइटस इनवर्सस होता है। इसके बाद वहाँ डेनियल आता है और जीना को देखकर समझ जाता है कि उसके पिता की तरह जीना भी बदल गई है। तब जीना उसे देखकर एक डरावनी स्माइल करती है, जिससे डेनियल घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। खैर, इसके बाद हम जीना को कार चलाते हुए देखते हैं और अभी भी उसके फेस पर वही स्माइल होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।